साथियों आप देख रहे हैं YouTube चैनल खेती बाड़ी विद्या। साथियों आज मैं आपको बीही में गूटी कलम के बारे में बताने जा रहा हूं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मैंने बरसात के मौसम में, ये अगस्त में करीब इसको लगाया हुआ था। और इसमें जो है जड़ें जो हैं कितनी अच्छी तरीके से आ चुकी हैं, आप देख पा रहे होंगे जड़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ कर चुकी हैं। और ये देखिए, ये जो पूरा प्लास्टिक का जो डिब्बा है वो जड़ों से भर चुका है। और ये जो पौधा है, ये यहाँ से शाखा निकली हुई थी, इस पर मैंने ये गूटी कलम किया हुआ है। तो साथियों इसको अगर हम बरसात के महीने में करते हैं तो हमें अलग से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें जो अच्छी किस्म की जो बीही होता है उससे हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसको भी मैंने इसी पेड़ से ये अलग किया हुआ था। ये यहाँ पे ये वाला जो जगह है, यहाँ से मैंने इसको काट के अलग किया हुआ है। और इसमें भी अच्छी खासी जड़ें जो हैं आ चुकी हैं। और इसकी जो प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको मैं हटा कर ये बोरी में इसको ट्रांसप्लांट करूँगा, बैग में मिट्टी भरकर। और फिर जब ये अच्छे से इसमें जो ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद इसको जहाँ पे हमें इसको लगाना है वहाँ पर लगा सकते हैं, या इसको हम एक बोरे या बैग में भी ग्रो कर सकते हैं और फल ले सकते हैं। यहाँ पे एक और ये देख पा रहे होंगे जड़ें जो हैं इसमें भी ग्रोथ कर चुकी हैं अच्छे ढंग से, और ये काफ़ी अच्छा बड़ा पौधा तैयार हो चुका है। तो साथियों इसके लिए हमें ये जो ऊपर की छाल होती है, ये वाली जो ऊपर की छाल, ये यहाँ से हटानी पड़ती है। और यहाँ पे खाद और मिट्टी का मिश्रण भर कर हम या तो इस तरह के प्लास्टिक की बॉटल में इसको पैक कर सकते हैं या बोरे वगैरह में पैक कर सकते हैं, ताकि इसमें जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे करके ग्रोथ कर जाएं। और इस तरीके से जो गूटी कलम के माध्यम से हम काफ़ी बड़े पौधे काफ़ी कम समय में तैयार कर सकते हैं। और ये जो अच्छी किस्म की जो वेराइटी होती है, या अच्छी किस्म की जो बीही या आम है या अनार है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, इनमें। और इस तरीके से हम काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े पौधे जो कि तुरंत ही हमें फल देना शुरू कर सकते हैं, इस तरीके के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो साथियों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।